नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि वृष राशि वालों का 31 अगस्त का दिन कैसा बीतेगा। लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 31 अगस्त 2020 के पंचांग के बारे में। आज तिथि है त्रयोदशी, नक्षत्र है श्रवण, पक्ष है शुक्ल पक्ष, दिन है सोमवार। आज के दिन सूर्य उदय हो रहा है, 5:58 में सूर्य अस्त हो रहा है, 6:43 में ऋतु है शरद। आज का दिन काल है 12:44, 27 सेकेंड का। महीना है भाद्रपद। आज के दिन शुभ समय शुरू होता है 11:50 AM से 12:50 PM तक। अशुभ काल शुरू होता है 12:50 PM से 1:37 PM तक। राहु काल शुरू होता है 7:34 AM से 9:09 AM तक। दिशाशूल है पूरब दिशा की ओर। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आज का अनोखा टोटका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक है, तो आप उसे भी देखें और आजमाने का प्रयास करें ताकि आज के दिन आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं हो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुने। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके आज के दिन के धन संपत्ति के बारे में। दोस्तों, पैसों के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य तौर पे सही रहेगा। बीते दिनों के मुकाबले आज के दिन पैसे कमाने का मौका आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अपने फिजूल खर्ची पे आपको कंट्रोल करना होगा, अन्यथा आने वाले समय के दौरान पैसों के मामलों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वैसे अगर आपके घर परिवार की बात करें तो घर परिवार के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य है, न ज्यादा बेहतर न ज्यादा खराब। दोस्तों, आज के दिन अगर आपके घर परिवार में कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ उम्मीद करता हो या उम्मीद करती हो तो उनके उम्मीद पर आप खरे उतरने का प्रयास करें। लेकिन अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य तौर पे सही रहेगा। आज से पहले अगर आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका के साथ किसी छोटी मोटी बात को लेकर आपका नोक झोंक हो गया था, आप दोनों में मतभेद हो गया था, तो आज के दिन अपने प्रेम संबंध को आप मजबूत करने का प्रयास करें। दोस्तों, आप में से जो भी लोग बिजनेसमैन हैं, खुद का काम करते हैं, तो आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आज के दिन अपने कामकाज में आपको जो भी करना हो तो कुछ भी करने में आप लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आने वाले समय के दौरान इस लापरवाही के वजह से आपका कामकाज, आपका कार्य क्षेत्र खराब हो जाएगा। दोस्तों, आप में से जो भी लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी करने वालों का समय सामान्य से बहुत ज्यादा नीचे है, यानी कि आज के दिन संभव है कि आपके नौकरी में, आपके कार्य क्षेत्र में आपसे कोई गलती होगी और उस गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा।
दोस्तों आज आपके लिए भाग्यशाली अंक है 3 यानी कि 3। आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली रंग है नारंगी और सुनहरा। इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाय को आजमाने के बाद आपका समय बेहतर और शानदार होगा। दोस्तों उपाय बहुत ही ज्यादा सामान्य है। आज के दिन आप लाचार, बेबस, गरीब, असहाय ऐसे लोगों की सहायता करें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें। धन्यवाद।